में सीएम योगी ने दोबारा यूपी की सत्ता पर कब्जा किया है, बीजेपी उनकी तारीफें करते नहीं थक रही है और अब बीजेपी सभी राज्यों में योगी मॉडल पर काम करने की बातें करती नजर आती है और मध्य प्रदेश में तो इसकी झलक भी देखी गई, जब मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को बुलडोजर मामा कहा जाने लगा। ऐसे में अब बीजेपी चाहती है कि सभी राज्यों में उसके हिसाब से काम हो। अब ऐसे में बिहार में भी बीजेपी नेताओं ने ऐसा ही कुछ करने की कोशिश की जो जनता दल यूनाइटेड यानी जेडीयू नेताओं को पसंद नहीं आया और बिहार में बेहतर कौन पर बहस शुरू हो गई और योगी और नीतीश में से कौन सा मॉडल बेस्ट है, इस सवाल ने घमासान मचा दिया और अब तो इस पर भरपूर राजनीति हो रही है। दोनों ही पार्टियों के नेता अपनी अपनी दलीलें देते नजर आ रहे हैं। इस बीच डिप्टी सीएम तारकिशोर के बयान ने इस बहस को और तेज कर दिया है। उन्होंने कहा, बिहार में नीतीश सरकार बेहतर काम कर रही है, शासन प्रशासन अपराध रोकने में सक्षम है, लेकिन बिहार में योगी मॉडल की जरूरत है। ऐसे में बिहार की सियासत में घमासान मच गया है। दरअसल ये बहस तब छिड़ी जब बिहार की खराब कानून व्यवस्था को लेकर बीजेपी ने सीएम नीतीश पर सवाल उठाए। भारतीय जनता पार्टी के विधायक ये मांग करने लगे कि बिहार में भी बुलडोजर मॉडल लागू किया जाए। अब बीजेपी और जेडीयू एक बार फिर आमने सामने आ गए। बीजेपी विधायक विनय बिहारी ने कहा कि सबसे बेस्ट मॉडल योगी मॉडल है क्योंकि यूपी में अपराध करने के बाद अपराधियों को बख्शा नहीं जाता है। वहीं दूसरी तरफ जेडीयू के विधायक पंकज मिश्रा ने कहा कि देश में बेस्ट मॉडल नीतीश मॉडल है, इस नीतीश मॉडल को देश स्तर पर लागू करना चाहिए, यहाँ ना किसी को बचाया जाता है ना फंसाया जाता है, जब से नीतीश कुमार हैं तब से अपराध ही बिल में छुपे हुए हैं। जेडीयू और बीजेपी को लड़ते हुए देख राष्ट्रीय जनता दल को मौका मिल गया और पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी ने तंज कसते हुए कहा, दोनों मॉडल बेकार हैं। यदि इनका बस चले तो योगी आदित्यनाथ को बिहार का मुख्यमंत्री बना दें और उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को बना दें। वैसे बिहार की कानून व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त हो चुकी है, नीतीश कुमार से कुछ भी संभल नहीं रहा है, इनका मॉडल पूरी तरह से बेकार है। अब इस बहस ने बिहार की सियासत को गर्मा तो दिया है, जिससे बीजेपी और जेडीयू की तकरार एक बार फिर खुलकर सामने आ गई है। कयास है कि बिहार में बीजेपी और जेडीयू का रिश्ता अब कभी भी टूट सकता है। ऐसे में जेडीयू और दूसरे सहयोगी दलों के सहारे से बिहार में फल फूल रही बीजेपी के लिए टिके रहना बेहद मुश्किल नजर